रोडों की हालत देख भाई, इस बार जो हाल उत्तराखंड का हो रखा है, इतनी लैंडस्लाइडिंग है। कोई तूफान आके जब निकल जाते हैं ना, हर 100 मीटर में कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड दिख रहा है भाई साहब। ऐसे लग रहा है उत्तराखंड में नहीं, मैं लद्दाख के किसी ऐसे एरिया में घूम रहा हूँ भाई साहब। ऐसे लग रहा है जलजला आया होगा पूरा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग ऋषिकेश में, और आज ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं सोनप्रयाग के लिए। 2:30 बजे करीब रात को सोया, वीडियो एडवर्ट करी सुबह मॉर्निंग में ना, 5 बजे करीब मैं उठ गया था। 6 बज चुके, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो वही निकलते हैं। गोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे भाई, इतनी ऊपर आके था ना, लगा पैदल पैदल आना होता ना तो बैंड बज जाती है। यहाँ से हमारा ना जो पहाड़ी वाला सफर है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। कल रात को यहीं पे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की हुई थी, यहाँ से आगे नहीं जान दिया था। हर हर महादेव, हर महादेव। सुबह सुबह यार राइड करने का मजा ही अलग आता है। रोडों की हालत देख के ना समझ में आ रहा है मानसून सीजन का उत्तराखंड का भाई। इस बार जो हाल उत्तराखंड का हो रखा है ना भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतनी लैंडस्लाइडिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई तूफान आके जब निकल जाते हैं ना, हर 100 मीटर में कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड दिख रहा है भाई साहब। भाई साहब ऐसे लग रहा है, मैं उत्तराखंड में नहीं, मैं लद्दाख के किसी ऐसे एरिया में घूम रहा हूँ भाई साहब। ऐसे लग रहा है जलजला आया होगा पूरा। एक जगह पे नहीं है, ऐसे कई जगहों पे है। लद्दाख वाली वाइब आ रही है पूरी उत्तराखंड में इस बार। और सनराइज भी हो गया भाई, सूरज महादेव भी आ गए। तो भाई सब गाड़ी ना हमारी रिजर्व पे लग गई थी, अब बहुत देर से ना पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा था, तो फाइनली यार ये पेट्रोल पंप मिल गया। तो यहाँ पे पेट्रोल वेट डलवा लेते हैं, टंकी फुल करवा लेते हैं भाई। 11 लीटर तेल आ गया 1145 रुपये का। भाई साहब क्या हो गया, पूरा जाम लगा हुआ है और लोग ये वीडियो बना रहे हैं भाई साहब। इसकी वजह से ये सीन था। तो भाई जी फाइनली ना हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग हमारी केदारनाथ यात्रा का पहला व्यू पॉइंट है, जहां से आपको पहला एक संगम देखने को मिलेगा। भाई जो ये सामने देख रहे हो ना, अब यही है देवप्रयाग। यहां पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, और मिलके यहां से जो आगे जो नदी बनती है ना भाई, इसको गंगा नदी बोलते हैं। माँ गंगा को धरती पे लेके आने वाले ना तो भागीरथ जी थे, जिन्होंने काफी सालों तपस्या करी थी। तपस्या के बाद गंगा नदी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे आई थी। तो जब वो ना स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे आई थी, तो उनके साथ जितने भी हमारे देवी देवता है ना, सारे स्वर्ग से पृथ्वी में आए थे गंगा जी के साथ साथ। और उस टाइम पे उन लोगों ने अपना आवास ना इस जगह पे बनाया था, देवप्रयाग में। इसीलिए इस जगह को ना देवप्रयाग भी बोला जाता है। और भाई बहुत खूबसूरत जगह है ये, जो बिल्कुल मटमैली से नदी आ रही है, और एक ये वाली नदी आ रही है। जो मटमैली से नदी, ये अलकनंदा है, और जो बिल्कुल ये सफेद सी नदी है ना, ये भागीरथी है, क्योंकि ये सारा ग्लेशियर का पानी है। भाई साहब अभी 8:30 बज रहे हैं और जाम ऐसा लग रहा है ना भाई, चल बैठ गोली। तो चलो भाई देवप्रयाग हमने क्रॉस कर लिया। तो भाई साहब हम लोग श्रीनगर श्रीकोट क्रॉस करके ना हम आ गए धारी देवी पे। उत्तराखंड में भी गढ़वाल रीजन में ना एक बहुत पुरानी देवी का मंदिर है, और उनकी यहाँ पे ना बहुत मान्यता है। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो ना, यही है धारी देवी का मंदिर। केदारनाथ जी में आपदा आई थी ना, वो वाली आपदा को ना यहाँ से जोड़ के भी देखा जाता है, तो ऐसी मान्यता है। ये जो मंदिर है ना, जैसे अभी पिलर पे खड़ा हुआ है, तो ये जो पानी है, ये यहाँ पे टिहरी जब डैम बना था, तो उस डैम की वजह से ये पानी का फ्लो बढ़ गया था। तो ये जो मंदिर है ना, ये नीचे इन पिलर के नीचे हुआ करता था, लेकिन जब ये डैम बन गया, इसमें पानी बढ़ने लगा, तो जो मंदिर नीचे था उसको उठा के ऐसे पिलर समेत ऊपर कर दिया। और हमारे उत्तराखंड में माना जाता है कि जो हमारे देवी देवताओं की जगह होती है ना भाई, वो कभी चेंज नहीं करनी होती। अगर उनकी जगह चेंज कर दी ना, मतलब एक जगह जहाँ पे स्थापित कर दिए, अगर वहाँ से उनकी जगह हिला दी, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई। तो जब ये जगह चेंज करके ऊपर लाई गई ना, तो लोगों ने बोला कि नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि देवी नाराज़ हो गई, और केदारनाथ में जो प्रलय आया, उसका कारण जो ये देवी है, इनकी नाराज़गी माना जाता है। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो मैगी ऑर्डर कर दी गोला भाई ने। गोला भाई कैसी हो रही मैगी? गोली का हमने गोला धर दिया। तो चलो भाई हमारी मैगी वैगी हो गई, अब निकलते हैं। आंटी जी कितना हो गया हमारा? आपने दिया क्या क्या? दो मैगी थी, पानी बोतल यहीं से लिए, एक पानी की बोतल।
हो गया जी, धन्यवाद। और भाई जो धारी देवी मंदिर का जो मेन रास्ता ना ये वाला भाई, यहाँ से ही नीचे रास्ता जा रहा है। जी केदारनाथ के लिए किधर से जाना है और ये ऊपर वाला रास्ता किधर जा रहे हैं? बद्रीनाथ के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ से शॉर्टकट बढ़ता है। अच्छा जी धन्यवाद। पानी वानी पीने के लिए, और ना यहाँ से ना पीछे भाई बहुत सही व्यू है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या शानदार व्यू है पूछे यार, ये अलकनंदा नदी आ रही है भाई, पूरा रोड गया हुआ है। भाई साहब क्या डेंजरस लग रहा है यार, जल्दी नहीं। 12 घंटे के 60 रुपये। तो चलो भाई फाइनली अपन लोग ना सोनपरैक तो पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी हमने पार्क लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। साला यहाँ पे कुछ पता नहीं ना, कल को बारिश थोड़ी सा आ जाए, पानी पुनी बढ़ जाए तो सेकंड फ्लोर पर थोड़ी सेफ रहेगी। क्यों भाई गोली? बस 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 तो भाई लोग अपना सोनपरैक पहुंच चुके थे, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। से यहाँ पे भी ना पार्किंग में भी लॉकर रूम है। यहाँ पे क्या सीन है कि 50 रुपये बैग का और 50 रुपये हेलमेट का, ये 12 घंटे का। रोहित और रूम ले रखा है तो वहाँ पे उनके बैग वगैरह उन्होंने वहीं रखे हुए, तो हम भी वहीं रख देंगे। जब रूम है ही तो क्यों लॉकर में पैसा देना, ठीक है? तो बस ये दिक्कत ये कि इसको हमको बैग को ना गौरीकुंड तक ऐसे ही अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। कोई नहीं, अब यहाँ से ना जो मेन केदारनाथ जी की यात्रा है वो स्टार्ट तो वैसे गौरीकुंड से होती है। सोनपरैक से टैक्सी वगैरह हमको मिल जाएगी और फिर टैक्सी लेके हम लोग गौरीकुंड तक जाएंगे। तो भाई जी ऐसा कुछ सोनपरैक दिखता है, मतलब यहाँ से आगे आप अपनी गाड़ी टैक्सी वैक्सी कुछ लेके नहीं आ सकते। यहाँ से आगे ना अभी मतलब 300-400 मीटर चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से ही टैक्सी वगैरह मिल जाती है गौरीकुंड के लिए। फिर जो असली जो ट्रैक है ना भाई वो गौरीकुंड से स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पे आपको ऐसे ना क्लॉक रूम वगैरह काफ़ी सारे मिल जाएंगे, सबके अलग अलग रेट रहते हैं, सब अपने हिसाब से रेट चला रहे हैं भाई, कोई ऐसा फिक्स रेट नहीं है किसी का। तो चलो भाई इस व्लॉग को ना यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया ना, मतलब ऋषिकेश से व्लॉग स्टार्ट किया था हम, सोनपरैक में आके व्लॉग खत्म कर रहे हैं। आपसे ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जिसमें हम आपको ऊपर ट्रैक पे लेके चलेंगे मंदिर तक। मिलते हैं किसी और दिन एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक कन्वीनियंस। बाय बाय।